गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, COVID-19 के चलते हमारे स्पेशल वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं अशोक निबनानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आप लोग घर के कंफर्ट पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकें। किसी भी कीमत पर आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसी मकसद के साथ हम ये वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज एक इम्पॉर्टेंट पोएम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत गजब की पोम है और ये कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। आजकल हर बच्चा एक प्रेशर से डील कर रहा है, वो प्रेशर है माता पिता की एक्सपेक्टेशंस का। 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को पहले से बता दिया जाता है तुम IIT जाओगे, तुम MBA करोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। उसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रेशर्स डाले जाते हैं, JEE में इतना लाना है, नीट के स्कोर में इतना लाना है, तुम्हें यहां पढ़ना है, तुम्हें वहां पढ़ना है। ये सब कुछ एक बच्चे को उस उम्र में बताया जाता है जब वो पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हुआ। उसके कितने सारे सपने हैं, उसके अंदर कितना सारा टैलेंट है, उसकी परवाह किए बगैर उसको कस्टमाइज करने की कोशिश होती है। माँ बाप अपने अधूरे सपने अपने बच्चों में जीना चाहते हैं और इसी चलते उनको अपनी अपेक्षाओं और एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दबा देते हैं। क्या पता वो बच्चा एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता था, एक पोएट बन सकता था, एक स्टोरी टेलर बन सकता था, एक म्यूजिशियन बन सकता था, एक कोरियोग्राफर बन सकता था, एक एथलीट बन सकता था, बन नहीं पाया। ये ऐसे ही अनगिनत लाखों करोड़ों बच्चों की कहानी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म अमेरिका में हुआ, उनके पिता टीचर थे, लेटर ऑन एक न्यूज़पेपर में एडिटर बने और उनकी दिली चाहत थी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक डॉक्टर बने, मेडिकल प्रोफेशन में जाए। लेकिन एज द हिस्ट्री टेल्स अस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिटरेचर में अपना करियर बनाया। आज की जो पोम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में 65-70 साल की उम्र में लिखी थी। उसमें वो क्या कहते हैं कि 2 roads diverge in a yellow wood। ये यहाँ पर सिग्निफाई करने की बात है, यहाँ पर समझाने की कोशिश है कि जिंदगी में जब करियर चुनने का मौका आया तो उनके सामने दो रास्ते थे। एक वो रास्ता जिसके ऊपर हर कोई चला था, आज आप गिन नहीं सकते इतने बच्चे नीट की एग्जाम देते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं। वहां दूसरी तरफ ऑथर पोएट बनने वाले बच्चे कितने होंगे, गिने चुने। तो कहते हैं जब जिंदगी में अपना करियर चुनने की बारी आई, करियर चुनने का मौका आया, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक रास्ता वो चुनूं जिसके ऊपर हर कोई चल रहा था और दूसरा रास्ता वो चुनूं जिसके ऊपर कोई नहीं चला था, जो ग्रासी था, जंगल का रास्ता था। एक ट्रेवलर के नाते, एक यंगस्टर के नाते, मैं जहां तक सोच सकता था, जहां तक देख सकता था, मैंने देखा, मैंने सोचा मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी हो। मैंने कई सारे पहलुओं के बारे में सोचा। फिर एक तरफ वो रास्ता था जहां पर सक्सेस की गारंटी जैसी लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो रास्ता था जो मैं चुनना चाहता था। आजकल आप देख रहे हैं बेटा, कई सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉब सेटिस्फैक्शन। मैं खुद का एग्जाम्पल दूं, आई एम एन MBA ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दिल्ली, 2 बार MBA कर चुका हूँ, किसी भी फाइनेंशियल फर्म को ज्वाइन कर सकता हूँ, टोयोटा में काम कर चुका हूँ, लेकिन मैंने टीचिंग का प्रोफेशन चुना क्योंकि ये मेरा पैशन है। जिस दिन आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, उस दिन आपका काम आपको कभी नहीं थकाता। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लेक्चर जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 11:40 हुए हैं, लेकिन आपको मेरे चेहरे पे बिल्कुल थकान नहीं दिखेगी। मैं सुबह से कॉन्स्टेंट लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आता है। जब मैं एक क्लासरूम में एंटर करता हूँ और बच्चों से भरा हुआ क्लासरूम मुझे दिखता है और उस एंथ्यूजियाज़म को देखता हूँ जब एक बच्चा मेरी तरफ पढ़ने की निगाह से देखता है, मैं चार्ज हो जाता हूँ, मेरे में एनर्जी आ जाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ बेटा कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। कोई ज़रूरत नहीं है कस्टमाइज होने की, रोबोट बनने की, जो लोग कहें वैसा करने की। तुम वो करो जो तुम्हारा मन कहता है।
अगर तुम्हारा पैशन सच्चा है तो एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, टू रोज डाइवर्ज इन येलो वुड्स एंड बीइंग अ ट्रैवलर आई कुडंट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पे नहीं चल सकता। सो आई लुक्ड एज फार एज आई कुड, जितना देख सकता था देखा, फिर वो रास्ता चुना जो लेस ट्रेवल्ड था। मुझे पता था कि एक बार मैंने फैसला ले लिया तो पीछे मुड़ के देखने का कोई चांस नहीं है। मैं एक बार जिस रास्ते निकल पड़ूंगा मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने वही चुना। और अपने कामयाब हो जाने के बाद वो कहते हैं, Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a yellow wood. सालों बाद मुझे याद आता है कि दो रास्ते थे उस येलो वुड पे, यहाँ पे ऑटम का महीना बताने की कोशिश की गई है, एंड आई चोज द लेस ट्रेवल बाय, मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी चॉइसिस के चलते हूँ। क्या आप सोचते हैं अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को छोड़कर कुछ और करता तो वो उतना पॉपुलर होता जितना वो आज है? हर वो इंसान जिसको अपने ऊपर यकीन है, अपने पैशन पे यकीन है, वो इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, एवरी चाइल्ड इज अ बॉर्न जीनियस विच इज लेटर ऑन रुइंड by the expectations of parents, by the burden of expectation of parents. Albert Einstein को स्कूल के जमाने में खुद एक डफर माना जाता था। याद रखिएगा, इतिहास वही लोग रचते हैं जो दूसरों की नहीं अपने मन की सुनते हैं। जो दूसरों की सुनते हैं वो तो एक साधारण इंसान की जिंदगी बिताकर इस दुनिया से चले जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस लेक्चर का पीडीएफ और असाइनमेंट दोनों आप लोगों को ऐसे अटैच मिल जाएगी। हमारी ये स्पेशल वीडियो सीरीज आपके लिए ही है बेटा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस पे दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो लेक्चर अपलोड हो आपको जानकारी मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत काम आएगा। अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करिएगा, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। धन्यवाद।